नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रितिका शर्मा और आप देख रहे हैं सिंध भारत। आई नजर डालते हैं 4 बजे की 4 बड़ी खबरों पर, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। अशोकनगर में महिला की अजब गजब मांग, मुझे बनाओ 2 दिन का प्रधानमंत्री। महिला आवेदन लेकर पहुंची कलेक्ट्रेट, शिक्षा नीति में बदलाव और विकास को लेकर मांग। रीवा में मुरम कांड के विरोध में प्रदर्शन, कलेक्टर कार्यालय का घेराव करने पहुंचे कांग्रेस, कांग्रेसियों को वाटर कैनन से खदेड़ा, आंसू गैस छोड़ किया बल प्रयोग। पन्ना में मटमैला पानी पीने को मजबूर, पन्ना टाइगर रिजर्व क्षेत्र का मामला, बड़ी संख्या में पहुंचते हैं पर्यटक, जनप्रतिनिधियों का इस और कोई नहीं ध्यान। विदिशा में मूंग खरीदी केंद्र पर किसान से अवैध वसूली, समर्थन मूल्य पर हो रहा है मूंग की खरीदी का कार्य, 300 रुपए प्रति क्विंटल किसान से की सर्वेयर ने अवैध वसूली, रुपए लेने के बाद फसल दिखाई ऑनलाइन खरीदी। 4 बजे की 4 बड़ी खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे, उससे पहले आपको बता देते हैं कौन सी वे 4 बड़ी खबरें। आपको बता दें कि सबसे पहली खबर आ रही है अशोकनगर से, वहीं दूसरी खबर रीवा से है, तीसरी खबर पन्ना से है, वहीं चौथी और आखिरी खबर जो है विदिशा से आ रही है। वहीं हम रुक करें पहली खबर की ओर, पहली खबर अशोकनगर से, जहां पर अशोकनगर में एक अजीबो गरीब मामला सामने आया है। वहीं आपको बता दें कि महिला ने अजीब मांग की, आपको बता दें कि महिला ने कहा है कि मुझे 2 दिन का प्रधानमंत्री बनाओ। वहीं महिला आवेदन लेकर कलेक्ट्रेट पहुंची, वहीं शिक्षा नीति में बदलाव और विकास को लेकर मांग की गई। दूसरी खबर है रीवा से, जहां पर रीवा में मुरम कांड के विरोध में प्रदर्शन हो रहा है, कलेक्टर कार्यालय का घेराव करने कांग्रेस पहुंचे, वहीं कांग्रेसियों को वेट वाटर कैनन से खदेड़ा, आंसू गैस छोड़कर बल प्रयोग भी किया गया। तीसरी खबर आ रही है पन्ना से, जहां पर पन्ना में मटमेला पानी पीने को मजबूर है लोग। आपको बता दें कि पन्ना टाइगर रिजर्व क्षेत्र का पूरा मामला बताया जा रहा है, बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंचते हैं, वहीं जनप्रतिनिधियों का इस और कोई भी ध्यान नहीं है। वहीं चौथी और आखिरी खबर आ रही है विदिशा से, आपको बता दें कि विदिशा में मूंग खरीदी केंद्र पर किसान से अवैध वसूली की जा रही है, समर्थन मूल्य पर हो रहा है मूंग की खरीदी का कार्य, वहीं 300 रुपए प्रति क्विंटल किसान से सर्वेयर ने अवैध वसूली की, रुपए लेने के बाद फसल ऑनलाइन खरीदी दिखाई। चलिए रुक करते हैं पहली खबर की ओर, पहली खबर अशोकनगर से, आपको बता दें कि अशोकनगर में एक महिला ने सिस्टम और शिक्षा नीति में बदलाव की मंशा को लेकर एक अजब गजब मांग की है। महिला की मांग है कि मुझे 2 दिन के लिए प्रधानमंत्री बनाया जाए। इस मांग का एक पत्र महिला ने पोस्ट के माध्यम से प्रधानमंत्री को भी भेजा है। अब महिला की यह मांग चर्चाओं का विषय बन गई है। दरअसल अशोकनगर की रहने वाली अमृता का कहना है कि वह शिक्षा नीति में बदलाव चाहती है, जिस पर हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता हमारे साथ अशोकनगर से आशीष मालवीय जुड़ चुके हैं इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए। आशीष, अशोकनगर से जो है महिला ने अजब गजब मांग रखी है, क्या कुछ है? पूरा मामला विस्तार से बताइए। देखिए, ये महिला है अशोकनगर की, अमृता इसका नाम है, और पिछले काफी दिनों से ये प्रशासन के पास आ रही थी। इसका सीधा सीधा कहना था कि शिक्षा नीति में बदलाव चाहती है, और कई बार घूमने फिरने के बाद उसके मन में आया कि देश में जो वर्तमान हालात चल रहे हैं या फिर जो सिस्टम में खामियां नजर आ रही हैं उसको लेके ये खुद आ गया है। तो इसने इस तरह की एक मंशा रखी है, एक आवेदन तैयार किया है कि मुझे 2 दिन का प्रधानमंत्री बनाया जाए और मैं 2 दिन में देश की जो तमाम समस्या उनको खत्म कर दूंगी। उन्हीं मांगों को लेकर ये आज आवेदन लेकर आई थी, और साथ ही साथ इसने जो अपनी मांग है इसका आवेदन पोस्ट के माध्यम से लिफाफे में रखकर प्रधानमंत्री को भी भेजा है। जी, तो महिला ने जो मांग की है कि 2 दिन के लिए उन्हें प्रधानमंत्री बनाया जाए, तो वे क्या क्या व्यवस्थाओं को ठीक करेंगे, उन्होंने इस बारे में कुछ बताया है? हाँ बिल्कुल, महिला से बात हुई तो महिला का कहना है कि सबसे पहले तो मैं शिक्षा नीति में बदलाव चाहती हूँ। उसका कहना है कि जितने भी स्कूल कॉलेजेस हैं इनको बंद करके इसकी जगह गुरुकुल खोले जाएं, और गुरुकुल में रामचरितमानस का पाठ पढ़ाया जाए। महिला का कहना है कि अगर बच्चों को रामचरितमानस पढ़ाएंगे तो सभी जो लड़के हैं उनमें राम की भावना आएगी और लड़कियों में सीता की भावना आएगी, तो देश में क्राइम कंट्रोल होगा, सही शिक्षा नीति होगी, और साथ ही साथ जो सारे क्राइम है वो सारे खत्म हो जाएंगे। इसलिए सबसे जो महिला का जो मेन फोकस है वो शिक्षा नीति को लेकर, साथ ही साथ उसका कहना है कि सभी राजनीतिक दल कहते हैं कि हम विकास करेंगे तो आपस में लड़ते क्यों। उसका कहना है कि नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी दोनों एक साथ आकर भी देश का विकास कर सकते हैं, तो इनको एक साथ आना चाहिए। इस तरह की अजब गजब मांगे हैं महिला की तमाम, तो
तो इन सभी मांगों को लेकर ये कुछ किया है जी। जैसे कि आपने बताया आशीष कि जो महिला है वो शिक्षा नीति में बदलाव और विकास को लेकर मांग कर रही है, तो क्या जो महिलाएं वे अभी की जो शिक्षा नीति चल रही है उससे संतुष्ट नहीं है? बिल्कुल आपने सही क्वेश्चन पूछा, महिला जो है शिक्षा नीति से संतुष्ट नहीं है। उसका कहना है कि जो इंडिया में जो शिक्षा पढ़ाई जाती है वो मैकाली वाली जो पद्धति है उसके हिसाब से पढ़ाई जाती है, जिसके चलते हम देखते चले आ रहे हैं बहुत सारी चीजें ऐसी है कि जो रोजमर्रा की जिंदगी में या हमारी लाइफ में वो कभी काम नहीं आती है। इसके चलते महिला का कहना है कि रामचरितमानस का पाठ स्कूलों में पढ़ाया जाना चाहिए, इसके चलते स्कूलों में बदलाव करके उनको गुरुकुल घोषित कर देना चाहिए। जब गुरुकुल बन जाएंगे उनमें रामचरितमानस का पाठ पढ़ाया जाएगा तो बच्चे धर्म से भी जुड़ेंगे। साथ ही साथ महिला का कहना है कि हमारी जो स्थानीय लैंग्वेज है मतलब हिंदी और संस्कृत की शिक्षा होनी चाहिए। महिला ने बताया कि मैं इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ी हूँ, लेकिन जब मैं 10th तक इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ी तो ना तो मेरी हिंदी सही थी ना मेरी इंग्लिश सही थी, जिसके चलते मुझे लगा कि इस तरह के बदलाव होने चाहिए और प्रधानमंत्री इतने कैपेबल है, स्ट्रॉन्ग सरकार चल रही है तो वो कुछ कर सकते हैं, लेकिन अगर वो नहीं कर पा रहा है तो मुझे 2 दिन का प्रधानमंत्री बना दो, मैं इस तरह के बदलाव देश में करूंगी। जी आशीष, वही जो है महिला जो है आवेदन लेकर कलेक्ट्रेट पहुंची, तो क्या कोई कलेक्टर के द्वारा उन्हें आश्वासन दिया गया इस पूरे मामले में? देखिए महिला ये पहली मरतबा नहीं है कि किसी तरह की कोई मांग लेकर यहाँ पर आई है। महिला करीब 1 महीने से कंटिन्यू यहाँ पर दफ्तरों के तमाम जनप्रतिनिधि नेताओं के चक्कर लगा रही है, महिलाओं को इस तरह का कोई आश्वासन नहीं मिला है। हर व्यक्ति उससे यही कहता है कि नहीं आपकी बात सही है लेकिन इसको ऊपर तक पहुंचाना पड़ेगा, इसलिए महिला लगातार संघर्ष कर रही है। अब अलग अलग संगठनों से मिलकर वो चाहती है कि मैं ऐसा कुछ करूं कि देश में बदलाव हो। अपने आप में एक बड़ा अजब गजब मामला है कि किसी ने प्रधानमंत्री बनने की मंशा जाहिर की है, काफी लोग उसको मेंटल भी घोषित कर देते हैं, जबकि महिला पढ़ी लिखी और एक समृद्ध परिवार से है। तो अब देखना होगा कि इस मामले में आगे क्या होता है, महिला कोई खुला मंच लगाकर अपनी बात जनता के सामने रखती है या फिर प्रशासन की तरफ से कोई पहल होती है। आशीष, ये जो महिला की मांगे है वो सब जगह जो है इसकी चर्चा हो रही है, चर्चा का विषय बना हुआ है पूरा मामला, तो आम लोगों की क्या कुछ प्रतिक्रिया है इस पूरे मामले में? कि महिला जो बातें करती है वो ग्रंथों के आधार पे करती है, महिला ने काफी अध्ययन किया हुआ है अपने साथ में, वो रामचरित मानस और मनुस्मृति, शिव महापुराण, गरुड़ पुराण, ये सारे ग्रंथ अपने साथ में लेकर चलती है और वो जो भी बात करती है उसको प्रमाणित करती है कि देखिए इसमें ये लिखा हुआ है, ये करने से ऐसा होता है, अपनी बात को प्रमाणित करती है। तो काफी सारे लोग उससे उसकी बातों से जब चर्चा करते हैं तो सहमत भी होते हैं कि नहीं इनका कहना तो सही है, लेकिन इस तरह के बदलाव जो है कभी देश में देखे नहीं गए। इस तरह की पहल हमने एक मूवी देखी थी नायक मूवी में, एक दिन का पीएम वो बनता है तो उसी तरह से मिलता जुलता मामला ये है कि महिला 2 दिन के लिए प्रधानमंत्री बनना चाहती है, लेकिन रियल लाइफ और रियल लाइफ में काफी फर्क होता है। तो महिला की जो मांग है उससे काफी लोग परिचित हो चुके हैं, लेकिन अब इस ये जो संदेश है महिला का ये कितना आगे जाता है ये देखने वाली बात होगी। तो आपको बता दें जो खबर सामने आ रही थी वह अशोक नगर से आ रही थी, जहां पर अशोक नगर में एक महिला ने सिस्टम और शिक्षा नीति में बदलाव की मंशा को लेकर एक अजब गजब मांग की है। महिला की मांग है कि मुझे 2 दिन के लिए प्रधानमंत्री बनाया जाए। इस मांग का एक पत्र महिला ने पोस्ट के माध्यम से प्रधानमंत्री को भी भेजा है। वहीं अब महिला की यह मांग चर्चाओं का विषय बन गई है। दरअसल अशोकनगर की रहने वाली अमृता का कहना है कि वह शिक्षा नीति में बदलाव चाहती है। उनका कहना है कि आपको बता दें कि देश में गुरुकुल खोलकर रामचरितमानस की शिक्षा दी जाए, साथ ही पक्ष और विपक्ष के साथ मिलकर देश की समस्याओं को खत्म कर विकास की नई इबारत लिखे। चलिए रुक करते हैं दूसरी खबर की ओर। दूसरी खबर आ रही है रीवा से। आपको बता दें कि रीवा में जमीन विवाद में 2 महिलाओं को जिंदा दफन करने की कोशिश के मामले में अब कांग्रेस ने प्रदर्शन किया है। कलेक्ट्रेट धरने घेरने जा रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पुलिस ने रोक लिया और उन्हें खदेड़ने के लिए उन पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया, आंसू गैस भी छोड़ी। इसके बाद भी कांग्रेसियों के नहीं मानने पर हल्का बल भी प्रयोग किया गया। बता दें कि मुरम कांड के विरोध में कांग्रेस रीवा कलेक्ट्रेट का घेराव करने निकले थे, लेकिन कलेक्ट्रेट पहुंचने के पहले ही उन्हें रोक दिया गया। जिस पर हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता हमारे साथ शमीम सौदागर जुड़ चुके हैं रीवा से इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए। शमीम, रीवा में मुरम कांड के विरोध में जो है विरोध प्रदर्शन हो रहा है कांग्रेसियों का, क्या कुछ पूरा मामला विस्तार से बताइए। बताना चाहूंगा मैम, 4-5 दिन पहले ये घटना है जब 2 महिला ऊपर मुरुम गिरा दिए, 2 महिला गई थी।
इनके प्रदर्शन करने के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष बीबी श्रीनिवास और नितेश दर्शन भी रीवा पहुंचे थे और वो कांग्रेस प्रदर्शन कर रहे थे। तो नीट की गड़बड़ी और नर्सिंग घोटाले के मुद्दे को लेकर सोमवार को युद्ध कांग्रेस ने कलेक्टर घेराव करने पहुंचे थे, जहां पे पुलिस वालों को रोक लिया गया और जहां पे हाथों गैस और हल्का बल्ब लाठीचार्ज किया गया। जी, तो कांग्रेसियों का क्या कुछ कहना है इस विरोध प्रदर्शन के बाद, क्या कोई उन्हें आश्वासन दिया गया? कांग्रेस इनके कहना था कि जहां मध्य प्रदेश में जहां महिलाओं को अत्याचार हो रहा, जहां महिलाओं को जलाया जा रहा है, मारा जा रहा, जहां पे सरकार मध्य प्रदेश सरकार कुछ नहीं कर पा रही है, इन्हीं के विरोध में कल रीवा में बहुत बड़ा प्रदर्शन हुआ था विरोध किए, जहां पे कलेक्टर घेराव करने जा रहे थे, जहां पे पुलिस वाले ने उनको रोकने प्रयास किए, जब लोगों को नहीं माने तो लाठीचार्ज किया गया था। और कांग्रेस को कहना था कि यार ये सरकार कांग्रेस जो है झुकने वाले नहीं है, जो न्याय अन्याय के खिलाफ हमेशा आवाज उठाने वाली सरकार कांग्रेस है, हमेशा उठाएंगे जो भी है आगे आएंगे। जी, तो जिस तरह से जो है कांग्रेस जो है कलेक्ट्रेट का घेराव करने पहुंची थी, तो पुलिस प्रशासन ने किस तरह से जो है कांग्रेसियों को रोका है? क्या पुलिस प्रशासन सफल हुआ कांग्रेसियों को रोकने में? सफल तो नहीं हुआ, लेकिन लाठीचार्ज किए वो कांग्रेस के, बताया जाए कांग्रेस के हजारों तादाद में कांग्रेसी थे और पुलिस माना जाए तो 100-150 पुलिस थे केवल। जी, तो आगे क्या कुछ कांग्रेस ये कदम उठाएंगे कांग्रेस के नेता इस पूरे मामले में? कांग्रेस तो बोले इनको दबाव बना रही है कि भाई जो अत्याचार जो मोरू के ऊपर गिराया गया था महिला के ऊपर, इनके ऊपर दबाव गिरफ्तार किया जाए। आज दो लोग को गिरफ्तार भी कर लिया गया है और कांग्रेस बोला जंग हमारी जारी रहेगी, हम पीछे हटने वाले नहीं है और सरकार जो मध्य प्रदेश की सरकार है बीजेपी की, इसकी रिमोट दिल्ली से चलती है। अब नीट घोटाले में जो हुआ है और जो नर्सिंग घोटाला जो हुआ है, इसमें विधवा सारंग के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। जी, तो इस विरोध प्रदर्शन में कांग्रेस के कौन कौन से नेता शामिल थे? ये युद्ध राष्ट्रीय अध्यक्ष बीबी श्रीनिवास आए थे, मिथिलेश दर्शन प्रदेश अध्यक्ष आए थे और अजय सिंह राहुल भैया भी आए थे, मतलब मध्य प्रदेश से बहुत लोग नेता आए थे रीवा में और उन्होंने प्रदर्शन किया। जी, तो ये जो पूरा मामला जो सामने आया था इसे लेकर जो है कांग्रेसियों ने विरोध प्रदर्शन किया था, तो शमीम क्या कुछ स्थानीय बीजेपी नेताओं की प्रतिक्रिया देखने को मिली? नहीं, प्रतिक्रिया कोई सामने नहीं आई है अभी। जी, लेकिन अभी क्या रीवा में प्रोग्राम चल रहा हुआ बीजेपी का, तो अभी कुछ बोलने को लोग को तैयार नहीं है, लेकिन कांग्रेस अभी उत्साहित नजर आ रहे हैं। इनका प्रदर्शन सफल था और वो बोले कि जो हमने काम करने आया तो हम सफल हुए इसमें और सरकार पर दबाव बनाएंगे और वहाँ जो भी कार्रवाई वो करें। जी जी, तो आपको बता दें जो खबर आ रही थी रीवा से आ रही थी, जहां रीवा में जमीन विवाद में दो महिलाओं को जिंदा दफन करने की कोशिश के मामले में कांग्रेस ने प्रदर्शन किया है, कलेक्ट्रेट घेरने जा रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पुलिस ने रोक लिया और उन्हें खदेड़ने के लिए उन पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया, आंसू गैस भी छोड़े। इसके बाद भी कांग्रेसियों के नहीं मानने पर हल्का बल का भी प्रयोग किया गया। बता दें कि मोरम कांड के विरोध में कांग्रेस रीवा कलेक्ट्रेट का घेराव करने निकली थी, लेकिन कलेक्ट्रेट पहुंचने के पहले ही उन्हें रोक दिया गया। गुना में भी कांग्रेस ने हनुमान चौराहे पर नारेबाजी करते हुए मुख्यमंत्री मोहन यादव का पुतला फूंका, हालांकि पुलिस ने जलते हुए पुतले पर पानी डालकर उसे बुझाने की भी कोशिश की। रीवा में आयोजित प्रदर्शन में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी को भी शामिल होना था, लेकिन अंतिम समय में उनका आना कैंसिल हो गया था। वहीं तीसरी खबर आपको बता दें पन्ना से आ रही है, जहां पर मध्य प्रदेश पर्यटन के हिसाब से काफी लोकप्रिय है। यहाँ देश के सबसे ज्यादा टाइगर रिजर्व है, जिसमें सबसे खास पन्ना टाइगर रिजर्व है, जहाँ मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि देश के कोने कोने से पर्यटक आते हैं, लेकिन इस वक्त यहाँ पर आ रहे पर्यटकों को पानी के लिए काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आम लोगों के साथ यहाँ पर बाहर से आने वाले पर्यटकों को मटमेला पानी मिल रहा है, जिसके चलते उन्हें बीमार होने की संभावना बढ़ जाती है। दरअसल सरकार द्वारा नल जल योजना चलाई जा रही है, लेकिन फिर भी कई जगह ऐसी है जहाँ यहाँ योजना जा नहीं पा रही है। जिस पर हमारे साथ इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता पन्ना से अजीत खरे जुड़ चुके हैं इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए। अजीत, पन्ना में जो है मटमेला पानी पीने को लोग मजबूर है, क्या कुछ ये पूरा मामला और कब से इस परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? मैडम, एक साल पहले यहाँ पर नल जल योजना चालू हुई थी,
और ये नल जल योजना चालू से कागजों तक संचालित होती नजर आती है, क्योंकि यहाँ पर ये जो पन्ना टाइगर रिजर्व, यहाँ हजारों सैलानियां आना, साल भर में हजारों लाखों से सैलानियों का आना जाना बना रहता है, और गांव के जो ग्रामीण ग्रामीण है वो भी यह गंदा पानी पीकर बीमार हो कुछ लोग पड़ रहे हैं, पेट जिसमें पेट दर्द की बीमारी, एक दो लोगों से मैंने बात की तो उनका कहना था कि इस पानी को पीने से पेट में दर्द होता है जी। वहीं जनप्रतिनिधियों का क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले में? मैडम ग्रामीणों ने बताया कि उन्होंने सरपंच से भी कहा है, प्रस्ताव भी डाला है और जिले के आला अधिकारियों से भी कह चुके हैं, लेकिन कोई उनकी सुनवाई नहीं होती है। इस तरीके से जो लाइन है, जो नल जल योजना की लाइन है, वो जगह जगह से टूटी है। कई कई बार तो ऐसा भी होता है मैडम कि पांच पांच दिन नल नहीं आता है और लोगों को पानी के लिए तरसना पड़ता है। और जिले में काफी लोग ऐसे भी है मैडम, पन्ना जिले में और भी ऐसे गाँव है जहाँ प्राकृतिक स्रोतों से लोग पानी पी रहे हैं, अपनी प्यास बुझा रहे हैं जी। तो अजीत, जो सरकार के द्वारा नल जल योजना चलाई जा रही है जो कि पन्ना में अभी उपलब्ध नहीं हो पा रही है, जो कि पन्ना एक पर्यटक के क्षेत्र में जो है अहम माना जा रहा है। मैडम नल जल यहाँ पर है, लेकिन नल जल योजना है, लेकिन जो लाइन बिछी है वो जगह 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 से टूटी हुई है और रिपेयरिंग भी उसकी होती है, इस कारण से गंदा पानी वहां से आ रहा है। जो की टंकी जो टंकी बनाई गई है वो कहीं ना कहीं कैन नदी के बगल में ही, कैन नदी के बगल से टंकी बनी हुई है। ये मुख्यालय से 20 किलोमीटर का मामला है, जहाँ पर कैन नदी होने के बाद भी 100 मीटर पर कैन नदी है, इसके बावजूद भी आधा दर्जन से भी अधिक यहाँ पर नदियां हैं, इसके बावजूद भी स्थिति मैडम काफी खराब है जी। तो जिस तरह से जो है दूषित पानी पीने को मजबूर है लोग वहाँ के, तो इससे क्या उनके सेहत पर असर पड़ रहा है, क्या मरीजों की संख्या बढ़ रही है? उनका कहना है कि गंदा पानी पीने से बीमार पड़ सकते हैं, और हमारे यहाँ बच्चे छोटे छोटे बच्चे जिनके इस पानी पीने से पेट में दर्द हुआ था पहले, लेकिन अब दवा करवाया तो उनको आराम लगा, अब वो ठीक है जी। तो आपको बता दें जो खबर सामने आ रही थी वह पन्ना से आ रही थी, जहां पर मध्य प्रदेश पर्यटन के हिसाब से काफी लोकप्रिय है, यहां देश के सबसे ज्यादा टाइगर रिजर्व है, जिसमें सबसे खास पन्ना टाइगर रिजर्व है, जहां मध्य प्रदेश भी नहीं बल्कि देश के कोने कोने से पर्यटक आते हैं, लेकिन इस वक्त यहां पर आ रहे पर्यटकों को पानी के लिए काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है आम लोगों के साथ ही, यहां पर बाहर से आने वाले पर्यटकों को मटमेला पानी मिल रहा है, जिसके चलते उन्हें बीमार होने की संभावना भी बढ़ जाती है। वहीं चौथी और आखिरी खबर विदिशा से, आपको बता दें कि विदिशा जिले में मूंग खरीदी केंद्र के जिम्मेदारों की सहमति से सर्वेयर के द्वारा विदिशा जिला मुख्यालय की पुरानी उपज मंडी स्थित गोदाम क्रमांक 2 में सर्वेयर तिवारी के द्वारा किसान से 300 रुपए प्रति क्विंटल के मान से वसूली उपरांत ही खरीदी की जा रही है, जिससे किसानों पर अतिरिक्त भार पड़ रहा है। किसान ने मूंग की उपज तुलाने उपार्जन केंद्र पर पहुंचे किसान बाबू सिंह राजपूत ने आरोप लगाए हैं कि शुक्रवार को अपनी उपज को लेकर खरीदी केंद्र पहुंचा था, वहां मौजूद सर्वेयर तिवारी ने पैसे नहीं देने के कारण उपज को नहीं तोला। जिस पर हमारे साथ इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता हमारे साथ विदिशा से शुभम जैन जुड़ चुके हैं। शुभम, विदिशा में मूंग खरीदी केंद्र पर जो है किसानों से अवैध वसूली की जा रही है, क्या कुछ पूरा मामला निकल कर सामने आया, विस्तार से बताइए। मैं आपको बताना चाहूंगा रितिका जी, ये शिकायत विगत लंबे समय से आ रही थी और इसकी पुष्टि करने के लिए हमने बाबू सिंह जी को जो है एक जरिया बनाया। बाबू सिंह जी जो है शुक्रवार के दिन अपनी उपज लेकर कृषि उपज मंडी विदिशा पहुंचे थे, जहां गोदाम क्रमांक 2 पर इनकी उपज तुलनी थी। शुक्रवार को इन्हें पूरे दिन भर जो है टाला गया कि तोल देंगे, लेकिन नहीं तोला गया। स्पष्ट कहा गया कि 300 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से जब आप भुगतान करेंगे इसके बाद ही जो है मूंग की खरीदी की जाएगी, जो की सर्वेयर ज्ञानेश तिवारी करके एक व्यक्ति है उसके द्वारा ये कहा गया। इसके उपरांत जब किसान बाबू सिंह राजपूत ने भुगतान नहीं किया तो उनकी उपज को तोला नहीं गया। शनिवार को पुनः बाबू सिंह राजपूत ने जो है हमारी आंखों के सामने ये सारा कुछ कैद हम अपने कैमरे में कर रहे थे। पुनः बाबू सिंह राजपूत जो है पहुंचते हैं शनिवार को, और शनिवार को बाबू सिंह राजपूत
2700 रुपए ये हमने जांच करने के लिए उनसे दिलवाए कि भाई कुछ कम पैसों में क्या ये मानते हैं, तो 2700 रुपए बाबू सिंह राजपूत ने उन्हें दिए। इसके बाद जो है बाबू सिंह राजपूत की उपज जो मूंग की उपार्जन केंद्र पर रखी हुई थी उसको तोला गया, लेकिन तोलने के उपरांत बाबू सिंह राजपूत की जो उपज की पर्ची है उसे ऑनलाइन पोर्टल पर शो नहीं किया गया, जिससे ये स्पष्ट हो सके कि बाबू सिंह राजपूत की पर्ची मतलब मूंग की तुलाई हो गई है और बाबू सिंह राजपूत की भुगतान की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है, वो नहीं किया गया। फिर बाबू सिंह राजपूत को बोला गया कि 300 रुपए जब तक आप पूरे नहीं देंगे, पूरे 3000 नहीं करेंगे, 300 रुपए और नहीं देंगे तब तक आपकी पर्ची का को जो है ऑनलाइन शो नहीं किया जाएगा, आपकी भुगतान की प्रक्रिया शुरू नहीं की जाएगी। जब बाबू सिंह राजपूत ने 300 रुपए वापस उन्हें दिए, पूरे 3000 रुपए जब उन्होंने उनके पास पहुंच गए, इसके बावजूद इसके बाद जो है बाबू सिंह राजपूत की जो तुलाई की पर्ची है, तुलाई की प्रक्रिया है, वो पूरी होने के बाद भुगतान की प्रक्रिया शुरू हो पाई है। जी जी शुभम, आपसे पूछना चाहूंगी जो ये किसानों के साथ जो अवैध वसूली की जा रही है या कब से की जा रही है, और किसानों ने अब कितनी बार शिकायतें की कर चुके हैं किसान? मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये बाबू सिंह राजपूत मतलब शिकायत ये लंबे समय से मिल रही थी, लेकिन चूंकि क्या होता है किसान की एक प्रवृत्ति होती है हो गई है कि हमारा काम हो गया है हमें क्या लेना देना, लेकिन बाबू सिंह राजपूत एक निडर किसान है और उन्होंने इस रैकेट का या इस अवैध काम का पर्दाफाश करने के लिए उन्होंने एशियन भारत को जो है सहयोग किया है। जी तो अभी क्या मैं आपको बताना चाहूंगा, एक डायरेक्टर है रघुवंशी जी करके, उन्होंने हमसे अनऑफिशियली बात में फोन पर ये स्वीकार किया है कि पहले भी कई बार उनके द्वारा किसानों को पैसे का जो लिया गया था सर्वेयर के द्वारा वो वापस कराए गए हैं। जी तो अब क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी सर्वे पर इस अवैध वसूली के मामले में? कृषि विभाग के जिला उप संचालक हैं KS खपेरिया, उनसे जब हमने बात की तो उन्होंने ये कहा है, आश्वासन दिया है, वही रटा रटा है आश्वासन है जी। जो अधिकारियों को अक्सर अधिकारियों को अक्सर सुनने को मिलता है कि आपके माध्यम से मामला संज्ञान में हमारे आया है, जाँच की जाएगी, नेफेड के माध्यम से जाँच कराएंगे और संबंधित सर्वेयर या जो भी लोग इसमें दोषी पाए जाएंगे उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। ये रटा रटाया बयान जो है कृषि विभाग के उप संचालक KS खपेरिया के द्वारा दिया गया है। जी जो बाकी के किसान हैं उनके द्वारा इस पूरे जो अवैध वसूली की जा रही थी किसानों के साथ, उनका इस पूरे मामले में क्या कहना है और आश्वासन के बाद क्या कुछ कहना है? नहीं, किसानों ने कुछ ही किसान ऐसे बिरले होते हैं जो इन सब चीजों का विरोध करते हैं, तो यदा कदा ही किसान जिन्होंने विरोध किया होगा। मैंने पूर्व में ही आपको बताया कि जो डायरेक्टर हैं उन्होंने उनके पैसे वापस करवा दिए, बाकी जो किसान विरोध नहीं करते हैं वो आराम से सर्वेयर अपना पैसे उनसे अवैध वसूली कर रहा है और बराबर चल रही है, और कहीं ना कहीं इससे जो है कई अधिकारी भी इन सब चीजों को वॉच करने के लिए रखे जाते हैं। सिस्टमेटिक तरीके से सिस्टम बनाया जाता है कि ये अधिकारी इन सब चीजों पे लगाम लगाएंगे, लेकिन उन अधिकारियों की जिम्मेदारी या पदीय दायित्व भी जो है संदेह के घेरे में है। जी शुभम, आपसे पूछना चाहूंगा, क्योंकि ये जिला मुख्यालय का उपार्जन केंद्र है, विदिशा जिला कलेक्टर से महज 3 से 4 किलोमीटर के अंदर ये उपार्जन केंद्र आता है, और हम ये इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं इस बात से कि जिला मुख्यालय के उपार्जन केंद्र पर यदि 300 रुपए प्रति मानक बोरे के हिसाब से अवैध वसूली की जा रही है, जो ग्रामीण क्षेत्र में ग्रामीण स्तर पे जो उपार्जन केंद्र हैं जो जिला मुख्यालय से कोई 60 किलोमीटर, कोई 100 किलोमीटर, कोई 120 किलोमीटर दूरी पे मुख्यालय हैं, वहाँ किसानों के साथ कितनी अवैध वसूली, कितनी बड़ी मात्रा में अवैध वसूली की जाती होगी, इसका अंदाजा हम लगा सकते हैं। जी शुभम, आपसे पूछना चाहूंगी, जैसा कि आपने बताया था कि पहले भी कई बार शिकायतें मिल चुकी है, तो क्या कुछ कारण रहता है कि जो कृषि विभाग के जो अधिकारी है वो इस पूरे मामले में कार्रवाई नहीं करते हैं? नहीं, हम अंदेशा लगा सकते हैं कि हो सकता है उन्हीं की सरपरस्ती में ये कार्य चल रहा हो, क्योंकि जिम्मेदार अधिकारी के जानकारी में तो ये सब चीजें आती होंगी, जिला मुख्यालय का मामला है, प्रतिदिन 10 से 15 किसानों की जो है उपज तुलाई हो रही है,
तो इससे ये स्पष्ट मतलब अंदेशा लगाया जा सकता है कि कहीं ना कहीं उन अधिकारियों की भी लापरवाही है जो कि इन सब चीजों पे लगाम नहीं लगाई गई, और एसीएन भारत ने अपनी एक खुफिया कैमरे के माध्यम से इन सब चीजों को कवर किया। जी, तो आपको बता दें जो खबर आ रही थी विदिशा से आ रही थी, जहां पर विदिशा जिले में मूंग खरीदी केंद्र के जिम्मेदारों की सहमति से सर्वेयर के द्वारा विदिशा जिला मुख्यालय के पुरानी उपज मंडी स्थित गोदाम क्रमांक 2 में सर्वेयर तिवारी के द्वारा किसान से 300 रुपए प्रति क्विंटल के मान से वसूली उपरांत ही खरीदी की जा रही है, जिससे किसानों पर अतिरिक्त भार पड़ रहा है। हमारे सभी संवाददाताओं का शुक्रिया। तो यह थी 4 बजे की 4 बड़ी खबरें। फिलहाल 4 बजे की 4 बड़ी खबरों में इतना ही। आप खबरों के लिए देखते रहिए एशियन भारत।